तो हाँ जी, क्या हाल है सबके। एक्चुअली मैं आपको आज जो उसका एक सोल्यूशन बहुत बढ़िया मिला मेरे को, जैसे पोको F1 है उसमें एक बहुत ही गंदा बग आया, जैसे कि जो वॉल्यूम है आपकी, जो वॉल्यूम डाउन बटन या बटन वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वर्क कर रहा है, ठीक है। वो तो या तो वो बिल्कुल आवाज़ नीचे फेंक देता है या बिल्कुल ऊपर चला जाता है, और फोन पूरा हैंग होता है इस चीज़ के कारण, आप फोन यूज़ भी नहीं कर सकते अगर ये चीज़ होती है तो। तो सबसे पहला सिंपली इसका तरीका क्या है, अगर आपका जैसे वॉल्यूम का जो डाउन बटन है वो खराब करता है ना, तो जो वॉल्यूम अप बटन है उसको प्रेशर से दबा के रखो, ठीक है। जैसे 10 सेकंड के लिए दबाए रखो उसको, फिर देखो वो ठीक हो जाता है, 50% ये सोल्यूशन काम करता है, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं करता तो मैं कहता हूँ आप किसी टेक्नीशियन को विजिट करो, ठीक है। उसको कहो भी इसका जो बैक पैनल खोल के जो वॉल्यूम के ये बटन्स हैं ना, इनको मतलब साफ करे, इसमें जो वैक्स या मिट्टी वगैरह होती है जैसे वो निकल जाएगी तो ये ठीक हो जाता है। होता ये क्या है, अभी जो वैक्स होती है वो चिपचिपा के होने के कारण ना वो बटन मतलब वहीं पर स्टक हो जाता है, तो वो भी ठीक कर देगी फोन को। और एक और सोल्यूशन है, वो क्या है, प्ले स्टोर में एक है वॉल्यूम लॉकर। वॉल्यूम लॉक करके जैसे आप सर्च करोगे ऐसे भी वॉल्यूम लॉक, तो पहले नंबर पे आएगा एलेक्सेंड्रा की तरफ से है वो ऐप प्ले स्टोर पे, एंड्रॉयड पे। हाँ पर होगी तो एंड्रॉयड पे है ना, पोको एंड्रॉयड सॉरी। तो जैसे वो इंस्टॉल करोगे वो ब्लू कलर की ऐप होगी, ठीक है, एलेक्सेंड्रा की तरफ से होगी। उसको जैसे आप रन करोगे तो वो एक परमिशन मांगेगा वो ऑटो स्टार्ट रनिंग वगैरह की, तो उसको आपको इनेबल कर देना वो, ठीक है। जब वो इनेबल हो गया वो ओपन होगी तो एग्री कर देना है। उसके बाद आपके ना मतलब तीन तीन ऑप्शन शो होगी हर चीज की, नोटिफिकेशन की, रिंगर की, अलार्म की। तो आपने क्या करना है उसको मतलब जो दोनों के बीच में एक ऑप्शन होती है भी लॉक करने की, तो उसको दबा देना है। तो जहां भी आपका मतलब आप वॉल्यूम को लॉक करके रखोगे वो वहीं स्टक होगा, जैसे आप नीचे मतलब वो नहीं गिरेगा। उसके बाद जो आपका वॉल्यूम ये वाले बढ़ना है ना, ये काम करना हट जाएंगे, ये बेस्ट तरीका है। वो एक दिन यूज करोगे, अगले दिन शायद आपको अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब परमानेंटली नहीं है ये, ठीक है, होती टेम्परेरी है पर ये परमानेंट ठीक भी नहीं होती। पता नहीं ये क्या चक्कर है इसका, MI 6 में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, 4 में भी आई है ये, अब फोको F1 में आ रही है। तो मैं कोई ज्यादा मतलब यूट्यूबर मैं वो नहीं हूँ भी, मैं एडिट करना मेरे को कुछ नहीं आता, तो सिंपली आपको मैं वीडियो बना के ये दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे कर लो। अलेक्जेंड्रा की तरफ से वो ऐप है, ठीक है। अगर आपका मतलब वो ठीक नहीं होता, जैसे भी प्रेशर से दबाने से ठीक नहीं होता, तो कृपा करके वो जो ऐप है ना वो इंस्टॉल करके देखो, ठीक है। तो मेरे को कमेंट में एक बार बता देना भी ये वर्क करता है कि नहीं। वैसे मैं ऐप मैंने अभी 5 मिनट पहले ही मतलब वो ट्राई किया है, हाँ ये वर्क करती है, ठीक है। आपका मतलब एक बार ऐसे अभी फोन भी नहीं बंदा यूज कर सकता है, वो सोल्यूशन आपका ये कर देगी। और मैं वैसे सही हक में हूँ, तो मैं हूँ भी आप फिजिकल इसको ठीक कराओ, जैसे भी इसको ओपन करा के ना वैक्स वगैरह जो उसमें जमी होती है वो अच्छे से जैसे स्पिरिट लगा के वो साफ कर देता है दुकान वाला। आप मत पंगा लेना, जैसे भी खराब ना हो जाए फोन मतलब निकास डिस्प्ले वगैरह टूट जाए, वो वॉल्यूम का ठीक करते करते कहीं वो काम बढ़ा लो आप। सो टेक्नीशियन को विजिट करो, ठीक है। ओके थैंक यू, मेरे को बता देना बस कमेंट में भी ये काम करता है कि नहीं। ओके।